आग का कहर, एक की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। बिश्नापुर में मुर्तजा के घर पर लगा आग, आग लगने से कई घर जलकर हुए राख। इसके बाद कुछ चपेट में आए 7 लोग उपचार के लिए निजी वाहन से भेजा गया बहराइच, जिसमें उपचार के दौरान राजू वर्मा पुत्र त्रिभुवन वर्मा की हुई मौत और बचे हुए लोगों से 3 लोगों को भेजा गया लखनऊ। मौके पर आई पुलिस कर रही छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला थाना इकौना ग्राम बिश्नापुर के पोस्ट वीरपुर खरैया का है, जहां पर जग्गूलाल पुत्र प्रताप नारायण मुन्ना पुत्र आसिफ अली खलीमुन्निसा पत्नी अनवर अलीना को लखनऊ रेफर किया गया है। मृत्यु को राजू वर्मा पुत्र त्रिभुवन वर्मा श्रावस्ती से भुजो अहमद की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? क्या हो, कैसे आग लगी थी? कितने लोग झुलसे थे? 5-6 लोग। 7 लोग। आपको भी चोट लगी थी? यहाँ पे लगा है। हाथ में लगा है। एक लोग बचाने के लिए। और 3 लोग। नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? ग्राम बिश्नापुर पोस्ट वीरपुर खैरा। आपके ग्राम सभा में आग लगी है, कैसे लगी है, क्या जानकारी है आपको? ये रात में 11:30 के करीब था, हम सो रहे थे यहाँ सब, अचानक आवाज़ आई कि आग लग गई। हम भी गए वहाँ पर बुझाने के लिए, देखे कि चारों ओर से बुझाने लायक कुछ वहाँ था ही नहीं, इतना तेज़ आग जल रही थी। आगे आदमी कुछ गए थे जो आग के साथ, वो उसमें गैस सिलेंडर रखा था आदमी घर के अंदर, उसी में गए और जो बचाने गए वो किनारे में बचाने वाले, उसमें गैस फटा, आधा आदमी झुलस गए, 7-8 आदमी झुलस गए, उसमें 1-2-3 तो सीरियस बहुत ज़्यादा है सब टाइम, और तो थोड़ा बहुत नॉर्मल केस है, और उनको बहराइच में रिफ़र किया गया है। एक की डेथ की संभावना है, हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार पाठक। कहाँ रहते हैं? इसी गांव में बिश्नापुर में, अभी मेरा घर है। ये आग कैसे लगी? ये आग रात में हम लोग सो रहे थे, 11 बजे के टाइम हल्ला हुआ इधर से, तो इधर सामने मौर्या जी के लड़के ने शोर मचाया, भैया आग लगी। हम उठे, अपने भाई को जगाए भैया, और खुद तेज से आवाज़ किए। इसके बाद में हम लोग यहाँ से दौड़ते वहाँ पर गए, तो वहाँ पे ये हुआ कि आग बहुत तेज़ी से लगी हुई है, तो आग इधर लगी हुई थी और उधर आदमी भी बुझा रहे थे पश्चिम तरफ से। हम लोग खड़े थे जिधर आग लगी थी उसके दक्षिण तरफ से, और दोनों तरफ से आग लगी हुई थी, और आग के अंदर जो है मतलब गैस का बाटला रखा हुआ था। उसके बाद में हम लोग 101 नंबर पर फ़ोन किए, ये फायर ब्रिगेड का नंबर मोबाइल में पड़ा हुआ था, इस पर लगाए, 100 नंबर पे लगाए कि चलिए पुलिस को फ़ोन कर देंगे, तो पुलिस ही उनको नंबर दे संपर्क में बता देगी कि जाइए आप लेकर के दबकर बुझा दीजिए आग। तो पुलिस का भी नंबर नहीं, 108 नंबर, 112 नंबर, सब नंबर लगा कर हम हार गए, कोई नंबर लगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। और इसके बाद में जो है आग नहीं लगा, आधे घंटे के बाद ऐसा विस्फोट हुआ कि बाटला हवा में हवाई भर करके और पश्चिम साइड में मतलब जो है गैस भरते हुए सीधा गिरा जमीन पे, और जितने लोग थे उसमें कम से कम 7 लोग घायल हो गए, जिसमें 1 लोगों की डेथ हो गई, ऐसा बताया जा रहा है।